सबा का जो फायर लेफ्ट साइड पे फेस पे लगा था उसकी वजह से तो उसकी कोई शक्ल पहचानी नहीं जा रही थी कि उसकी असल में फेस क्या है. सारा एक गैपिंग वुंड था, सारा जख्म खुला हुआ था आंख से लेके और लिप्स भी, अपर लिप जो है वो भी इन्वॉल्व था. तो मेरे लिए तो वो सुनना ही काफ़ी एक परेशान कुन था. और उस जिसने एक्सपीरियंस किया है वो तो बेचारी बिल्कुल ही जो है ना किस तरह इस शॉक में से निकली है, वो तो मैं तो बहुत परेशान हुआ इसमें. और वो बार बार स्टाफ को यही कह रही थी कि मुझे बचा लें, मुझे बचा लें, मुझे दर्द हो रही है. ये वो जगह है जहाँ पे सबा कैसर को उसके वालद और चचा वगैरह ने जख्मी करके यहाँ पे नहर में फेंक दिया था. यहाँ पे चूँकि नहर इतनी ज़्यादा करीब की जो है, किनारा इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़े दिल गुर्दे का काम है. और रात के वक्त 11, 11:30 बजे तो यहाँ बिल्कुल सुनसान होता है. तो यहाँ पे वो उसमें थोड़ा सा किनारे साथ जो दरख्त हैं उसका उसने सहारा लिया और फिर वो यहाँ से निकल के, तो उन्होंने चूँकि जुर्म किया था वो जल्दी जल्दी छोड़ के चले गए. तो अल्लाह ने उसको बचा लिया. इसके बाद वो यहाँ से निकल के साथ ही ये जो पेट्रोल पम्प है, लेकिन फिर भी उस लड़की की बड़ी हिम्मत है. जैसे उसने मतलब अपने रेस्क्यू किया, अपने होशोवास पे कायम रखा. हालांकि वो ज़ख्मी भी थी, हाथ भी ज़ख्मी था और उसके जो चीख है उस पर भी उसको लगा हुआ था फायर. तो ये बड़ी हिम्मत की बात है. मेरी मंगनी को हो गया 4 साल. ठीक है, मंगनी हो गया 4 साल, लेकिन शादी करने लगे थे अपूरी अभी. बहुत अच्छा रहते थे, लेकिन फ़ोन के ऊपर बात भी करते थे, लेकिन मिलते भी थे, लेकिन बहुत अच्छे थे. जब गुस्से में बात करते लेकिन बर्दाश्त करते थे. जब कोई भी कहना, जो काम कहना वो भी मानते थे. जब लेकिन चाचू कहता नहीं उत्थे नहीं करनी है. असी अम्मी और कहते ने क्यों, अबू कहता क्यों, वो इंज दे लड़के वो फलाने वो टींगे वो गरीब ने इंज फलाने से. अगू फिर कहता अच्छा फिर दो तीन दिन पता लग जाएगा तू तेन कौन खड़ता है, पता लग जाएगा. मैनू कहता ही भाई मैं अपने साले यार करना है. मैं फिर अपने ससुराल ने फोन किया, कैसर ने फोन किया, इन मैं क्या इंज इंज कहते पे ने आंद तू आ जा असी निकाह कर लें. हाँ जी, सुबह मैं 5 बजे गई थी. ठीक है, मैंने फ़ोन किया कैसर को, वो सुबह आया 5 बजे, मैं उसके साथ चले गई. लेकिन फिर कोर्ट मैजिक ख्याली बाईपास नहीं है कचहरी दालत है, वो गए उ निकाह किया. हाँ जी, अपनी शादी के बाद एक दिन भी नहीं रही है अपने शोहर के साथ. बस दिन एक घंटा 2 घंटे बस इंज बैठ के गल्लां कीतियां ने. सारे बैठे हुए सन, इंज बस गल्लां कीतियां ने. नहीं उहदे नाल गई कितने ना गई. मैं एक भी दिन भी नहीं रही, उस रात को ही ले गए थे. तुसी साड़ी इज्जत रखो, सारे नाल टोरो, जुमे वाले दिन तुसी आण के लड़की नूं लै जाया जी. उन्हें क्या चलो ठीक है, तो कुरान खोलिया इन्होंने उपर हाथ रख्या कुरान दे थे, दू जाना दे बाद चलते हाथ रख्या. ठीक है, असं लड़की नूं कुछ नहीं कहते हैं. अच्छ तो फिर कहता है कि नाल नानकिया मेरे को लै गया सानू ट्यूटा करा के, ट्यूटा चाहता सी. चलो ठीक, मेरे दिल से मैं कुरान एडा वड्डा चुकिया है तो मेरे दिल से कोई गिला शिकवा नहीं है. जंगल दे थोड़ा सा लाया नाल ही उन्हें गड्डी खिला रही है. गड्डी खिला के चाचू मेरे पहले चपेड़ा मारते रहे, पहले मैं थले मारते रहे. मैं माफ
تھے یہ اس کو پہلے مجھے پٹائی کر رہے چپیڑے مار رہے ہیں مکے مار رہے ہیں لیکن میں برداشت کر رہی ہوں باتیں کر رہی ہوں خدا کا کاپر ہی بہت زیادہ ان کی آگے انہوں نے میری بات نہیں مانی نہیں سنی ہے انہیں دماغ کے اتنے انج نزدیک رکھی دماغ کے اتنے رکھی ہے تو میں تھوڑا سا انج کیا ہے بس تھوڑا گردن ہلائی ہے تھوڑی ساری تھلو انج سنگ چاچو نے سنگ دبایا میرا کہہ لا مار تو میں لیکن تھوڑی ساری انج گردن دبائی ہے اپنی تو لیکن ادھر انہوں نے اسی مار گئی ہے لا کے پھر انہوں نے تروڑے دیکھ بوڑی چ بند کر کے مجھے نہر چ پھینک دیتا چیری گی پھر تا نہیں آن لگی لوگوں کو پتہ نہ چلے گا نہر میں جب انہوں نے مجھے پھینکا تھا لیکن آہستہ آہستہ مجھے ہوش آئے تھے لیکن میں ادھر سے باہر نکلی دور سے ایک بائک تھی کہ مجھے بتیاں نظر آئی اس کا میں نے اس کے پیچھے میں آہستہ آہستہ چل چل کے گئی اور ایک پٹرول پمپ کی مجھے بتیاں نظر آئی میں وہاں گئی تھی ਰੱਗ ਰੱਗ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਬਰਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਬੜਾ ਪਿਆ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਡਰੀ ਡਰੀ ਆ ਡਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਾਤੀ ਹੋਈ ਯਾਕ ਸੇ ਤਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ 4 ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ 5 ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕੱਢਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਕਸਮ ਮਸ਼ਾਲਾ ਮਰਦਿਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਰਕ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਬਸ ਲਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਮਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰ انہوں نے جو قرآن اٹھایا تھا قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ان کو موزہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے دوبارہ لیکن آج تک سنا نہیں ہے جو نہر میں لڑکی گرے وہ بچے ظلم کیتا نے اللہ تعالیٰ ویندا ہے بیان ظلم کیتا نے انہوں نے خود نہیں ہونا انہوں نے خود نہیں ہونا ہے ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਖਣ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਮਝ ਆਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਮਝ ਆਏ ਚਾਚੂ ਚਾਚਾ ਸਮਝ ਆਏ ਸਭੀ ਸਮਝ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਇਨਕੋ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ہاں جی ان شاء اللہ میں یہ کیس ضرور لڑوں گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے خیال میں آنر کلنگ کے متعلق کو ایسا اسلام میں حکم نہیں ملتا کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ ان میں حقوق کو خیال ان کو حقوق کا خیال رکھیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اللہ نے اس کو حق دیا ہے فری ہے تو اس حوالے سے میرے لیے بڑا فری کہ ایک اتنے سے اتنی سی بات پہ اتنا بڑا اس کے ساتھ ہو جانا یہ تو بہت ہی غیر اسلامک سا فعل ہے
फिलहाल जो कुछ भी किया है गैरत में किया है ना साहब ने, जो कुछ भी हुआ है कौन कोई बर्दाश्त करता है किसी की बेटी और घर से इस तरह चली जाए, कोई भी नहीं गुवारा करता। फिलहाल हम वो थे जो हमें कोई बात नहीं था करता, आज वो भी है जो हमसे डरते थे वो भी हमें बात करके शहर से चले जाते। हम तो इनके घर में ना हम किधरे में आते जाते थे तो वो भी हमारा इस सबा की वजह से हम उनके घर में भी नहीं जाते जिनके घर में जाते थे। पापा को कहते हैं, कहते हैं इनका शायद नमक नहीं था ठीक है, ये है वो है। फिलहाल इन्होंने नहीं नहीं मुझे नहीं पता था, मैंने नहीं पता ये काम होने वाला है। मैंने पता होता तो मैं काम क्यों होने देती, मैं तो फिर भी माँ सा, मैं डांट लेती समझा लेती, पर फिर मियाँ की आंखों में तुम पता है शो है ये तो होता है ना इसलिए। पर गैरत का मसला कोई औरत नहीं कहती है एक दूसरे के मतलब औरत हलथाई हो जाए, ये बच्ची है ये ऐसा काम करेगी इसके पिटाई ना होगी इसकी भी पिटाई होगी, ये अच्छे तरीके से मेरे पास रहेगी इन अच्छे तरीके से शादी करूँगी सब कुछ दूँगी तो फिर मेरी भी इज्जत होगी। ऐ मेरी इज्जत तो कोई नहीं छोड़ के गई, सभा मेरी इज्जत नहीं छोड़ कर गई, मिट्टी में मिला गई है। मैं जो जी रही हूँ ना मैंने अल्लाह सुना ऐस ती ने ये काम किया ना मुझे मौत दे दे। बस जी गैरतमंद जवान वास्ते तो बिल्कुल ठीक ही आता, चलो बच गई वो नसीब ने ठीक है, इज्जतमंद से साडा भाई गैरतमंद से हक लाल की मजदूरी खुवादा रहा, तो जो भी किसी गैरतमंद जो भी होता है इज्जत के लिए ही सब होता है, इज्जत के लिए उसने जो किया ठीक किया था। हम मजबूर हो के किया उसके साथ जो कुछ भी किया है, उसने हमारी इज्जत रो ली है, हम गैरतमंद हैं, वो घर से क्यों गई थी, हम हक हलाल की मजदूरी करके उनको खिलाता था, उसने हराम दिखाया मुझे, हम गैरतमंद हैं, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। हराम नज़र आए एक मन दूध है उसके एक कतरा फेंक दो पेशाब का वो सारे का सारा तबाह हो जाता है, इसने ये किया है सबका सब तबाह कर दिया, हक हलाल की मजदूरी मेरी तबाह कर दिया। मैंने बोला नहीं मैं खुद मारूंगा आपको, मेरी बेटियां मैं खुद मारूंगा आपको, क्यों घर से बाहर गई हैं गैर आदमी के साथ। मैंने अभी तक वो लड़का नहीं देखा, अगर मैं लड़का भी देखता तो उनको भी मार देता, इनको भी मार देता, दोनों को ही मार देता मैं। वो कैसर ने हमारे घर को ये इतनी तबाही में लाया है, ये देखो मैं अभी बंद हूं इनकी वजह से। आप बंद हो इसलिए क्योंकि आपने किसी का कत्ल किया था। बाजी इस्लाम इजाजत नहीं देता बच्ची को घर से बाहर जाए, क्यों जाए, वो भूखी मरती थी, उसको खाना नहीं सा मिलता तीन टाइम, मंजी बिस्तरा हर चीज मिलती थी। इस्लाम कत्ल की इजाजत देता है? कुरान में लिखा नहीं तो ये कहाँ लिखा है कि बाप से अपना जड़ा अपनी घर से बेटी नठ जाए किसी गैर लड़के से, ये कुरान में कहाँ लिखा है ये मुझे बताएं। क्या कहा था उसको? मैंने जब उसको कहा था घर से जाके मैं आपकी बेटी को मार आया हूँ अपनी तरफ से, वो रोई थी और क्या करना था, जो करना था मैंने खुद करना था, वो बीबी है हमारी। जेल जाने के लिए पूरी जिंदगी तैयार है? बिल्कुल तैयार, इज्जत और गैरत के लिए मैं तैयार हूँ, सारी जिंदगी तैयार जेल में जाने के लिए, जिसने पैदा किया वो देता भी है। पत्थर में कीड़ा है ना तो बाजी उनको भी रब देता है, तो इनको भी रब देगा जो घर वाले हैं। मेरी चाहे सारी जिंदगी जेल में गुजर जाए हम गुजारेंगे, गैरत पीछे गुजारेंगे, इज्जत पीछे गुजारेंगे। हाँ
हाँ पहले ना मैं जब हॉस्पिटल से आई थी ना कहीं और थी, उनके रिश्तेदार ही थे लेकिन कहीं और थी, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ ससुराल के घर में। ये कैसर का जाती इनका घर है, यहाँ आई हूँ यहाँ लेकिन रह रही हूँ। बहुत अच्छा है, लोग अच्छा करते हैं, बर्ताव अच्छा कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है लेकिन देते हैं, मांगते हैं वो दे देते हैं, खुद किसी चीज़ की कमी नहीं है। अभी वे तो जान जिहो जी अपन बच्चिया ने ओह जी हूँ बच्ची है मेरी खुश है तो आई है ना बेचारी उन्होंने आख्या ने भी उत गरीबी बड़ी है वो फैमिली वड्डी है तो किस तरह रोटी पकाए दी किमें पूरी आए दी तो गरीबी जी बड़ी हंडाई है बड़ी गरीबी वेखने तो जो अल्लाह नू मंजूर है होना वो है सानू भी हूँ वारे च जीवन का बेचारी असी मिसा लूना खावा दे नाल वह भी खाई जाए सास है ना ये बिल्कुल अच्छे काम मेरा बर्ताव बिल्कुल अच्छा मेरे साथ कर रही है कोई बुरा बर्ताव नहीं कर रही बिल्कुल अच्छा कर रही है वो लेकिन मुझे अभी क्या पता लेकिन बहनों को होता है माँ को होता है अभी लेकिन मुझे कोई पता नहीं कौन सी मेरी उनके साथ बात हुई है या वो आए हैं नहीं मुझे कहें ऐसे हैं वैसे हैं नहीं लेकिन वो कह रहे हैं वो सुना जो मुलाकात के लिए जाते हैं ना उनके पास है वो कह रहे हैं हाँ हमने माफ़ किया लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे ठीक है जो गलती होगी है हमें माफ़ करो ऐसे करो हमने कहा नहीं जब मैं स्टेशन कोर्ट पे गई थी लेकिन तारीख हमारी आई थी लेकिन हम गए थे ऊपर तो लेकिन वहाँ मेरे चाचू ने मुझसे माफ़ी मांगी थी हाथ जोड़े थे लेकिन मैंने कहा मैं खुद को माफ़ नहीं दफ़ा जो मैं माफ़ नहीं करूँगी ये बिल्कुल ठीक नहीं है Honor killing under the Pakistani law should be treated as a murder and the case should be prosecuted in the court of law as any murder case. But what happens is that in most cases, the near relatives who are allowed under law can forgive the accused. So for example, if father kills his daughter, the rest of the family members forgive him. The killers in honor killing cases are allowed to be acquitted. And that is also one reason why honor killings are rising, because people get to know that if they kill their daughters, their sisters, they may still go scot-free. This is not just Sabha's cause, it's the society's cause. It's a question of public policy whether in such cases, compromise or forgiveness should be allowed to happen or not. But seeking justice is a long-drawn process, and women are at a great social and institutional disadvantage. Women in Pakistani society live as second-rate citizens, or perhaps even worse. मैं तो ये सोचती हूँ ये बाहर ना है, ये अंदर सारी जिंदगी अंदर है इनको पता चले। लेकिन हम भी अभी भी कह रहे हैं इंशाल्लाह केस लड़ेंगे फिर भी मोहल्ले वाले जो मेंबर हैं जो सभी ईमान बड़े बड़े लोग हैं मोहल्ले में रहते हैं ये सभी तरले मिनटा कर रहे हैं ससुराल वालों के सभी फिर कहते हैं बेटा कोई मोहल्ले में बड़े लोग हैं उनकी मान नहीं पड़ती है लेकिन बेटा फिर उनको कईयों को मनानी पड़ती है हम यहाँ ही रहते हैं बसते हैं इस मोहल्ले में लेकिन फिर भी बाद में बेटा उनकी मान नहीं पड़ती है लोगों की ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
It's the male members of the community who play a major role in making the parties reach a compromise. And it almost always works against the interest of the victim of honor crime. ضرور جائے گا سوسائٹی کو اگر یہ صلح ہوتی ہے اور ابھی اسی انیشل سٹیج پہ یہ بات ختم کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کو یہ میسج ضرور جائے گا کہ کوئی بات نہیں یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ کر لو اس کے بعد چھوٹ تو لیکن آپ اس کی سینسیٹیوٹی کو دیکھیں کہ اس لڑکی کو ابھی جو معافی مانگنے والے ہیں انہوں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کو گولی مار کے نہر میں پھینکا تھا وہاں پہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ وہی جان سکتی ہے اس کے اس وقت کیا حالات تھے دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لڑکی کو چاہیے کہ اس کے متعلق اس کو پرسیڈ کرے آگے اس کو پلیٹ کرے تاکہ یہ آنے والے وقتوں میں ایک اچھا میسج جائے کہ اس طرح کا کام جو ہے وہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے اس کے لیے قانون جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے اور ہم کریں گے تو پھر یہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہاں تک میرا خیال ہے لڑکی خود نہیں چاہتی کہ وہ معاف کرے اور باقی لوگ بھی شاید نہ چاہتے ہوں لیکن معاشرہ شاید ان کو ابھی نہیں تو کچھ دیر بعد مجبور کر لے اس کے متعلق کہ وہ معافی دے دیں ان کو سر کیا کہتا ہے وہ تو کہتا ہے لیکن نہیں ہونی چاہیے ایسے نہیں جو بڑا بھائی ہے ایسا بھی کوئی تو وہی کار ہے ان کی ماننی پڑتی ہے وہ جو اتنے بڑے دریا سے گزرا ہے اتنے بڑے کام سے گزرا ہے لیکن ہم ان کی مانیں گے جیسے اس نے کہنا ہے ہمیں ویسے کرنا ہے کرنی پینی کرنے تو بغیر تو نہیں نہ گزارا محلے داری ہے رشتے دار نے کسی نہ کسی کی مننی پی سلا نہ کرنا کن دیر ہے آرام دو سال چار سال دس سال میری سلا ہی ہونی چلو ہوں کر لیں کم مکے ہی چنگا وداو گے فائدہ کو نہیں رہی پریشان ہو گے وہ بھی ہون گے ضروری ہے کہ اتنے یہی رہنا ہے اتنے انہیں محلے چ رہنا
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਗਮੀ। ਸੌ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਰੇ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਖੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਸਭਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਅਗਰ ਤੋ ਵੋ ਸਭਾ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਵੀ ਐਸਾ ਆ ਕੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਇਨ ਸੇ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਕੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ, ਤੋ ਯੇ ਯਹੀਂ ਪੇ ਰੋਕ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਉਸਕੋ ਵੋ ਅਗਰ ਸਹੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੋ ਆਪ ਕਿਆ, ਆਪ ਖੁਦ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ? I can understand why she is inclined to reach a compromise. Our justice system is not strong enough to provide her security. Let's assume the accused are convicted and sentenced to 5 years of imprisonment, and they come out, and then they again try to kill her. Who is going to protect her? And one of the accused is her own father, and he's the only breadwinner of the family, so it makes worldly sense to forgive him. ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਵੋ ਵੀ ਬਾਤੇਂ ਅੱਛੀ ਕਹੀ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਆ। ਸਭਾ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਪਈ ਉਸਕੇ ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਔਰ ਸਭਾ ਉਨਕੇ ਕਹਿਣੇ ਪਈ ਉਨਕੇ ਵਾਲਦ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮੈਂ ਔਰ ਚਾਚਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੇਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਸਭਾ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸਵਾਬਦੀਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੋ ਜਿਨਕੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਕੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ, ਮੈਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁੱਸੇ ਮੇਂ ਆ ਕੇ ਇਨਕੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦੀ ਹੈ।
when the law allows for this kind of settlement, the courts in such instances have become mere post offices. They just record the statement of the victim. This is something which strengthens male superiority. हम पहले मैं बाहर बैठी हुई थी ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मैं बाहर बैठी हुई थी जज ने सलाम दो ली मैंने भी सलाम दो ली कहते बेटा आ गया मैंने कहा हाँ जी हाल चाल पूछा फिर उन्होंने पूछा बेटा आप इनको माफ़ कर रही हो आपकी इजाज़त है मैंने कहा हाँ जी अल्लाह ताला इनके हाथ में से मौत नहीं थी लिखी इन्होंने मारने की कोशिश की लेकिन नहीं थी लिखी है लेकिन फिर भी बच गए हैं इनके हाथ से मौत नहीं थी लिखी मेरी इस वजह से आगे इनके हाथ में लिखी हुई तो मर जाएंगे ये तो अल्लाह ताला जानता है बातें जे वो बंदे दे पुत्र बने रहेंगे तो वो भी पे अपने घर वसण ते खान असी भी अपने घर वसीए ते खाइए बच्ची उन्होंने ना मिले उधर ना जाए असी वो साडे वाल ना आवन असी वो नाल नहीं जाएंगे ते चोर दा ते मीं दा ते वसा ही नहीं ते डर आउंदा भी जे नहीं भी आउंदा फिर हुण जिंदगी बशर करनी है सुलह कर ली ना सच्चे दिल नाल कर ली दी जरा कोड रखे जा काफर पुना रखे फिर वो अल्लाह दी पहचान देना असा फिर हाल कोड को नहीं रखे ना शरारत दे विच लैंक रखे ना भाई उन्होंने छेड़ना या भाई आ धमकी देनी है या देनी नहीं मैं फोन पर रबता रखा मैं उरे देवर से बात की जेठ से बात की फिर उरी सासू माँ से बात की तो फिर मैं सभा से बात की फिर मैं उसको खुद समझाया मैं बेटा सदा मापे नहीं जिदा होते हैं एक दिन वक्त आएगा जरूर आएगा मैंने उसको माफ कर दिया उसने मुझे माफ कर दिया ये बात है कि आगे जिंदगी का नया गा शुरू कर दिया फिर ये अभी देखो ना कि ये वाकया किया है कि सब बहन भाई जितने भी हैं वो बोलते हैं कि आप गैरतमंद हैं आप इज्जतमंद हैं भाई आप ठीक हैं जो भी किया है आपने ठीक किया है बेहतर किया है अपना जड़ाकनी हमारे पीछे भी बेटी थी ना अभी तीन चार रिश्ते आए हैं बिरादरी ने बोला है अपना जड़ाकनी कि ये बेटी मुझे दो ये बेटी मुझे दो ये बेटी मुझे दो आप अच्छे आदमी हैं आप गैरतमंद हैं साथ नस्ल तक हमारी कोई ऐसी बेटी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी इंशाल्लाह ये मुझे फ़ख्र है अल्लाह के हुक्म से उनको ये ख़तरा डर होगा कि ये एक बहन ने ऐसा किया है तो उसके साथ ऐसा सलूक हुआ था हम करेंगी तो हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक होगा जब इतने बड़े ना होते इतना दबाव ना होता फिर मैं इनको कब माफ़ करने वाली थी नहीं थी माफ़ मैंने करना ही नहीं था मैंने कहा जितनी देर अंदर रहे मैंने माफ़ नहीं था करना सभी को पता है लेकिन मैंने लोगों के लिए माफ़ कर दिया सभी के लिए घर वालों के लिए रिश्तेदारों के सभी की मान के और मैंने माफ़ कर दिया लेकिन मैंने दिल से किसी को भी नहीं माफ़ किया अभी अपनी माँ के साथ मेरी और मुझे बहुत ज्यादा खुशी और किसी के साथ नहीं है
इस रोड मेरे घर में कुछ देर बाद बच्चा पैदा होने वाला है। ये मैं कह रही हूँ लड़की हो, बहादुर हो, ठीक है, जो भी बात करे उनको काबू करो, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बातें करे और जैसे कहे बड़े हो, पढ़े लिखे, ठीक है, जो दिल चाहे नौकरी करे, जो उसका दिल चाहे वो करे, अल्लाह ताला ने देने हैं, हम कौन से कहे हमें बेटी चाहिए, लेकिन मुझे बेटी का शौक है।